आज हम इस वीडियो में हमारे सौर्यमंडल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चंद्रमा से। तो आपने आकाश में रात में चंद्रमा तो देखा ही होगा। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर ये चंद्रमा क्या है और हमें रात को क्यों दिखाई देता है? यह चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है यह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, और हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब आते हैं तारों पर। हमें आसमान में लाखों करोड़ों टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये तारे क्या है? ये तारे गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हो सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमें इतने छोटे दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि ये सूर्य की अपेक्षा हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए ये हमें चमकीली रोशनी की तरह दिखाई देते हैं। दिन के समय आकाश में हमें सूर्य दिखाई देता है। सूर्य भी एक तारा ही है जो बड़े आग का गोला है। यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी अंतरिक्ष से एक नीले गेंद की तरह दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का ज़्यादातर भाग जल से घिरा हुआ होता है। ये जल समुद्र और सागर का होता है, और इसी वजह से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। तो क्या हमारी पृथ्वी भी एक तारा है या कोई उपग्रह? नहीं, यह सूर्य की तरह नहीं होता, यह एक ग्रह है। आइए ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह एक बड़े गेंद जैसा होता है जो किसी तारे के चारों ओर घूमता रहता है या चक्कर लगाता है, और ग्रह का अपना स्वयं का प्रकाश भी नहीं होता। इन्हें प्रकाश सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। तो अब सौर्यमंडल क्या है और हमारी पृथ्वी इसमें कहाँ होती है, इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह और भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य सभी ग्रह जो सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनके उपग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह है उसका चंद्रमा, ये सभी मिलकर बनाते हैं हमारा सौर्यमंडल। आइए सौर्यमंडल और उसके सभी ग्रहों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला होता है बुध। इंग्लिश में इसे मरकरी कहते हैं। यह ग्रह सूर्य के सबसे पास होता है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। इसके ऊपर कोई वातावरण नहीं होता, इसलिए ये सूर्य की किरणों को रोक नहीं पाता। ये दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दूसरा ग्रह है शुक्र। इसे हम इंग्लिश में विनस कहते हैं। ये हमारे सूर्यमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इसका वातावरण बहुत घना होता है जो कि गर्मी को बाहर नहीं आने देता, और ग्रह को इतना गर्म बना देता है कि इसकी गर्मी से शायद लोहा भी पिघल जाए। अगला ग्रह है हमारा पृथ्वी यानी कि अर्थ। ये ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडी, और शायद इसी कारण सौर्यमंडल का यह इकलौता ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। उसके बाद आता है मंगल या मार्स। इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह लाल धूल से ढका होने के कारण लाल दिखाई देता है। यह पृथ्वी से आधे आकार का होता है। अगला ग्रह है बृहस्पति या जुपिटर। यह हमारे सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 11 गुना बड़ा होता है। इस चित्र में आपको कुछ लाल बड़े धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में ये बड़े बड़े तूफान होते हैं जो कई साल से बृहस्पति में चल रहे हैं।
इसके बाद आता है शनि या सैटर्न, सौर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर एक बहुत बड़ा रिंग या छल्ला पाया जाता है। यह छल्ला किसी रोड की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में यह रोड की तरह ठोस नहीं होता। यह चट्टानों, धूल और बर्फ के टुकड़ों से मिलकर बना होता है, जो लगातार शनि के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और एक रिंग का आकार बनाते हैं। यह है अरुण या यूरेनस। यह नीले हरे रंग का सौर्यमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़े आकार का होता है। इसके तरफ भी शनि की ही तरह रिंग या छल्ला पाया जाता है। और यह है सौर्यमंडल का अंतिम ग्रह यानी कि 8वां ग्रह वरुण या नेपच्यून। ये ग्रह अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमते हैं और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं, और इनके इस तरह अक्ष पर घूमने से ही दिन और रात होता है, और सूर्य के चारों ओर घूमने से मौसम में परिवर्तन आता है, लेकिन इस विषय में हम किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप पूरे सौर्यमंडल को देखें तो हमारी पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह इस सौर्यमंडल में मौजूद हैं। तो आज अपने इस वीडियो में जाना सौर्यमंडल के बारे में, ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में और हमारी पृथ्वी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले।